गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज धरा श्रीवास्तव योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, हमने गुड मॉर्निंग पोएम फिनिश कर ली है, एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपने काम भी कंप्लीट करके मुझे फ़ोटोज़ भेज दी हैं। जिन्होंने नहीं की है वो अब से कर लें। आज हम इसी यूनिट का एक सेकेंड पोर्शन, जो हमारी स्टोरी है, उसे स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द मैजिक गार्डन। वी ऑल नो व्हाट मैजिक थिंग, व्हाट मैजिक मीन्स। कोई भी जादू, कुछ भी अनबिलीवेबल, कोई भी स्ट्रेंज चीज़ अगर हमारे साथ होती है, देन वी कॉल इट मैजिक। तो ऐसे ही ये गार्डन का यहाँ पर डिस्कशन है, इस गार्डन के बारे में बताया गया है, विच इज़ मैजिकल। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड। जो मैजिक गार्डन था वो स्कूल का जो क्रीड़ा क्षेत्र था, जो खेलकूद का एरिया था, वहाँ पर था। इट वॉज वेरी प्रिटी, ये बहुत ही प्यारा था। सनफ्लावर्स एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। और इस गार्डन में, इस प्रिटी गार्डन में, सनफ्लावर्स और रोजेज स्टूड हाई, मतलब वो बहुत ऊँचे खड़े थे, बहुत ऊँचे थे दीवार के सामने, दीवार के पास। देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पैंसीज। वहाँ पे और सारे फ्लावर्स थे, जैसे कि मैरीगोल्ड, पॉपीज और पैंसीज, ये सभी फ्लावर्स के नेम हैं। द सनशाइन फेल ऑन द गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर डांस एंड सैंग हैप्पीली। जो धूप की जो किरणें थी, सनशाइन जो थी, धूप की किरणें थी, वो इस गार्डन में कुछ ज़्यादा ही गिरती थी बजाय और किसी गार्डन में और किसी फूल पर गिरने से। इस गार्डन में कुछ अलग ही रौनक हुआ करती थी। यहाँ के जो फूल थे वो डांस किया करते थे, गाने गाया करते थे और बहुत ही खुश रहा करते थे। दे सेड टू वन अनदर, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स। वो एक दूसरे से कहा करते थे, कौन कहा करते थे, द फ्लावर्स, फूल थे, वो एक दूसरे से कहा सकते थे कि हमारे पास तो हंड्रेड्स ऑफ, मतलब खूब सारे, लगभग सौ सैकड़ों गार्डनर्स, माली हमारे पास हैं। दे वर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। और वो माली किसे कह रहे थे, उस स्कूल के जो बच्चे थे उन्हें, वो सारे फूल माली कह रहे थे कि इतने सारे बच्चे, इतने सारे गार्डनर्स हमारा ख्याल रखने के लिए हैं। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। एक सुनहरी धूप जिस दिन खिली थी, उस दिन की सुबह पे जो फूल थे वो चिड़िया से बातें कर रहे थे। आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, सेड अ पॉपी। जो पॉपी फ्लावर था उसने कहा कि मुझे तो सारे बच्चे पसंद हैं, लेकिन जो छोटे वाले बच्चे हैं मुझे वो कुछ ज़्यादा ही पसंद हैं। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स। मुझे अच्छा लगता है जब वो पानी के जार में, पानी के बर्तन में ला करके मेरी सूखी प्यासी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उनको जब वो बच्चे पानी देते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा पॉपी ने कहा। यस सेड द मैरीगोल्ड। जो मैरीगोल्ड था, जो फूल था, उसने बोला कि यस, तुमने बिल्कुल सही बोला। द बॉयज़ आर गुड टू टू अस। जो लड़के हैं वो भी हमारे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल। वो जो मिट्टी है हमारे ग्राउंड की, जो ज़मीन है, उसे वो कितनी अच्छी तरह से खोद दिया करते हैं। वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड अ टाइनी बर्ड। एक छोटी सी बर्ड ने कहा कि मुझे तो छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस। जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ही काइंड हैं, बहुत ही दयालु हैं, और वो हमारे लिए रोटियाँ, ब्रेड के टुकड़े लाया करते हैं, जिसे कि हम खाते हैं, ऐसा बर्ड ने कहा। ऑल दी फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आर ड्रेसेस वेरी प्रिटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून। सभी फूलों ने कहा कि अब हम सबों को मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को बहुत ही सुंदर और गुड लुकिंग बनाना चाहिए, अपने ड्रेसेस को सही करना चाहिए और बहुत सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो किस थोड़ी देर में अभी गार्डन में आते ही होंगे, तो हमें खुद को तैयार कर लेना चाहिए, ऐसा फ्लावर्स ने कहा। द सन सेड आई विल हेल्प यू ऑल्सो फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। सन ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि मुझे भी इससे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। जब वो बच्चे गार्डन में आकर के दौड़ते हैं, सुनहरी धूप में वो खेलते हैं, उससे ज़्यादा मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जब वो आकर के खेल कूद गार्डन में किया करते हैं, तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा फूलों की, बर्ड्स की, कि बच्चे आएँ और इन्जॉय करें। सडनली, अचानक से, द चिल्ड्रेन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग। तभी जो बच्चे थे वो क्लासरूम से बाहर प्लेग्राउंड में हंसते हुए, खेलते हुए, गाते हुए
आने लगे एंड दी फ्लावर्स स्टॉप डियर सॉन्ग टू लिसन टू दिम। और सारे फूल थे उन्होंने अपने गाने वाने बंद कर दिए और अब सभी उन बच्चों को सुन रहे थे। कौन सुन रहे थे? द बर्ड्स, द फ्लावर्स एंड द प्लांट्स। ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा, अरे वो लंबे से सनफ्लावर को देखो। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, और ये सुनने के बाद जो सनफ्लावर था उसने अपने सिर को बहुत ही गर्व के साथ और ऊंचा कर लिया। प्राउडली मतलब इन प्राइड, इन हैप्पीनेस। अनदर चाइल्ड सेड, एक और बच्चे ने कहा, आई लव द मैरी गोड्स इन इट्स गोल्डन ड्रेस सेड द मैरी गोड स्माइल्ड हैप्पीली। एक और बच्चे ने कहा कि मुझे तो जो गेंदे का फूल है जो मैरी गोल्ड है वो अपने गोल्डन ड्रेस में बहुत ही प्यारा लगता है। और ये सुनने के बाद जो मैरी गोल्ड है वो बहुत ही खुशी से मुस्कुरा उठा। इट वॉज इन डीड अ मैजिक गार्डन, ये वाकई में सचमुच में एक मैजिक गार्डन ही था। क्यों? बिकॉज इट हैड फेरीज टू, क्योंकि इस गार्डन में फेरीज भी थी। फेरीज मीन्स परियां। दे डांस एंड सिंग स्वीट सॉन्ग विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, और जब वो आती थी वो डांस करती थी, वो गाने गाती थी, तो ऐसे गाने गाती थी जिनको सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे थे, सिर्फ वो बच्चे ही सुन सकते थे। आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन, थोड़े देर के बाद जो फेरीज थी वो बाहर आई, डांस की और बच्चों से बातें की। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ शाइन, उनकी जो ड्रेसेस थी, जो फेरीज ने जो ड्रेसेस पहन रखी थी, कपड़े पहन रखे थे, वो सब फूलों के बने हुए थे, और जो उनके पंख थे वो सनशाइन के थे, मतलब वो सुनहरे धूप से चमक रहे थे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, और उस रात जो मैजिक गार्डन था वो बहुत ही शांत था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर अस्लीप, जो फूल थे, जो चिड़िया थी, वो सब अब सो चुकी थी, उन्हें नींद आ चुकी थी। एंड ड्रीमिंग ऑफ नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, और अगले दिन के ख्यालों में, सपनों में वो डूब गए, वो खो गए इस सोच में कि बच्चे कल फिर आएंगे। सो इट वॉज अ टेल एंड इट वॉज अडाप्टेड फ्रॉम द फेरी गार्डन बाय मार्गरेट एच बोल्टन। मार्गरेट एच बोल्टन की एक स्टोरी है द फेरी गार्डन, जिसमें से कि इस स्टोरी को थोड़ा सा निकाल करके यहाँ आपके सामने रखा गया है पढ़ने के लिए। कुछ नए वर्ड सीखे हमने, पहला तो सीखा मैजिक, दूसरा गार्डन, तीसरा गार्डनर्स, माली जो गार्डन की देखरेख करता है, मेंटेन करता है, दूसरा प्लेग्राउंड, ऐसी जगह जहाँ पर खेलने के लिए बच्चे आया करते हैं, सनशाइन धूप, गोल्डन सुनहरा, ड्रीमिंग मतलब सपने देखना। आई होप आपको ये सारी मीनिंग्स क्लियर हो गई होंगी। आगे रीडिंग इज फन में चलते हैं और देखते हैं हमारे से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन, जो फूल थे वो छोटे बच्चों को क्यों पसंद करते थे? तो वी ऑल नो, हमने पढ़ा है स्टोरी में कि जो फूल थे वो छोटे बच्चों को क्यों पसंद करते थे, क्योंकि वो उन्हें पानी दिया करते थे उनके रूट्स को और डिग किया करते थे ग्राउंड को। Why did the birds love the children? चिड़िया जो थी वो बच्चों को क्यों पसंद करती थी? क्योंकि बच्चे उला करके उसे ब्रेड दिया करते थे। Name five flowers growing in the magic garden. मैजिक गार्डन जो हमने पढ़ा उसमें कोई भी जो फाइव फ्लावर्स हैं उनके नाम आपको बताने हैं। तो हमने सनफ्लावर पढ़ा, हमने मैरी गोल्ड पढ़ा, हमने पॉपी पढ़ा, पैंसीज पढ़ा, और भी जो पढ़ा वो आपको लिखना है। What sounds could the children hear in the garden? बच्चे साउंड कौन सी आवाज़ें सुन सकते थे गार्डन में? तो बच्चे फेरीज की आवाज़ें गार्डन में सुन सकते थे। इसके अलावा हमने कुछ नए वर्ड्स जो सीखे हैं उन्हें पढ़ते हैं। जैसे हमने सीखा है लिटिल, हैप्पीली, स्लिपरी, स्लिपरी मतलब फिसलने वाला, पीपल मतलब लोग, स्लीपीली मतलब नींद में, थर्स्टी मतलब प्यासा, पर्पल इज अ कलर, जो जिस कलर से मैं टिक लगा रही हूँ इस कलर को पर्पल कहते हैं, प्राउडली मतलब इन प्राइड गर्व के साथ खुशी के साथ, एंड प्रिटी मीन्स प्यारा। तो दीज आर दी वर्ड्स एंड आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। आपको अब करना क्या है, आपको एक क्वेश्चन आंसर्स लिखने के अलावा आपको एक स्क्रैप बुक बनानी है। अब आप पूछेंगे मैम स्क्रैप बुक क्या होती है? स्क्रैप बुक एक तरह की ड्राइंग कॉपी होती है जिसमें खूब सारे कलरफुल पेजेस होते हैं। अगर आपको कलरफुल स्क्रैप बुक नहीं मिलती है तो आप सिंपल सी ड्राइंग की कॉपी ले सकते हैं, और उसमें आपको अपने गार्डन से फ्लावर्स को प्लक करना है। कोई भी एक से ज़्यादा फ्लावर को प्लक नहीं करेगा, नहीं तोड़ेगा। आपने जितने टाइप के फ्लावर्स आप अपने गार्डन से इकट्ठे कर सकते हैं, आप वो फ्लावर्स को लेंगे, अपनी किसी मोटी सी किताब में उसे रखेंगे, कुछ दिन तक उसे दबाए रहेंगे सो दैट वो जो फ्लावर है वो ड्राई हो जाए। आप लीव्स के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, आप पत्तियां भी ले सकते हैं,
उन्हें भी आप किताबों में दबा करके कम से कम 1 वीक के लिए सुखा सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद जब वो पूरी तरह से सूख जाएगी, सूख जाएगा आपका फ्लावर या आपके लीव्स पत्ते जो भी आप लिए हैं, फिर आपको सेलो टेप की हेल्प से इन सब चीज़ों को अपने स्क्रैप बुक में पेजेस में पेस्ट करना है। एक पेज पर एक ही फ्लावर, एक ही लीव को रखें और आपने लिखना है कि वो कौन सा फ्लावर है, कौन से कलर का था, अब कौन से कलर का हो गया और जो लीव है वो कौन से प्लांट की है। इस तरह से आप एक स्क्रैप बुक बना करके मुझे दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर सैंपल भी दे रखा है स्क्रैप बुक का, यहाँ पर बता भी रखा है कि आपको कैसे बनाना है। कलेक्ट 5 फ्लावर्स, आपको 5 तरह के फूल इकट्ठे करने हैं और आप सबको मोटी सी किताबों में इन फूलों को दबा करके रखना है। फिर इसके ऊपर कुछ भारी चीज़ से इसे कवर कर देना है। लीव इट फॉर सम डेज, कुछ दिन के लिए इसे छोड़ना है ताकि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद जो ये प्रेस्ड फ्लावर्स हैं, इनको आपने आराम से हल्के हाथ से निकालना है, उन्हें पेस्ट करना है सेलो टेप की हेल्प से कॉपीज़ पे अपनी ड्राइंग शीट पर, और उसके बाद आपको हर एक फ्लावर का नाम उसके नीचे लिखना है। इस तरह से आप एक स्क्रैप बुक बना करके मुझे दिखाएंगे। इसके साथ आगे की एक्सरसाइज है जिसमें कि वर्ड बिल्डिंग है, हमें कुछ नए वर्ड सीखने हैं। इसके आगे लेट्स राइट का सेक्शन है और इसके साथ हमारा एक्सरसाइज चलती रहेगी। ये दोनों सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए वरना ज़्यादा हो जाएगा। अभी तक कितना समझाया है आप इस पर काम करें, कुछ डाउट है तो मुझसे दोबारा पूछें। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।